सुनंदे, प्यार भरी याद। तुमसे जुदा हुए आज 1.5 महीना हो गया है, पर लगता नहीं कि तुमसे 1.5 मिनट के लिए भी अलग हुआ हूं। तुम्हारी याद, तुम्हारा ख्याल हर दम मेरे सीने में धड़क रहा है। ए सुनंदनी, जानती हो इस परदेश में हर पल तुम मेरे साथ हो। यहां आते ही काम में बिजी हो गया था, इसलिए तुम्हें जल्दी खत ना लिख सका। अपना ख्याल रखना, और हां, भगवान के लिए किसी भी गलत सोच को अपने दिमाग में जगह मत देना। मैं बहुत जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। बहुत बहुत प्यार, तुम्हारा अमर। सुनंदा, कभी कभी ख्याल आ जाता है, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ एक बच्चा। हां सुनंदा, अगर एक बच्चा होता तो हम अपने जीने का मकसद पा जाते। अपने आप को किसी भरम जाल में मत उलझाओ सुनंदा। देखो सुनंदा, जो नहीं है उसे पाने की जिद में जो है उसे गवाओ तो मत। ऑफिस में थकान होती ही कहां है, सारा काम तो आशा कर लेती है। और सच पूछो, आशा के साथ काम करने में मजा भी बड़ा आता है। शहर जाने की बात क्यों करती? बिल्कुल। सुनंदनी, कैसी हो सुनंदनी? उमा, अभी जो मैंने इंस्टीट्यूट में सुना क्या वो सच है? तो फैसला तुम्हारे खिलाफ हो गया? मर्दों के समाज में, मर्दों के बनाए कानून की चार दीवारी में तुम क्या समझती हो? फैसला किसी औरत के हक में होगा? तो इसका मतलब? अब कानूनी तौर पर मेरा अपने पति पर कोई अधिकार नहीं। औरत का औरत होना ही सबसे बड़ा दोष है। ये दुनिया है सुनंदा, यहां सपनों के घर औंधे सच के पत्थरों की मार नहीं सह सकते। इसी सच को हमें जीना होता है, फिर चाहे वो बहुत सा क्यों ना हो। मर्दों के संसार में औरत के रूप में जन्म लिया है तो समाज में इज्जत के साथ जीने के लिए तुम्हें किसी ना किसी पुरुष को अपने पति के रूप में चुनना ही होगा। पत्नी बनी हो तो मां भी बनना होगा।
और यदि ना बन सके तो पत्नी के रूप में, औरत के रूप में तुम्हारा जीवन मौत से भी बदतर होगा। तुम खुद अपनी नजरों में मुजरिम हो जाओगी, फिर चाहे जुर्म मर्द का ही क्यों ना हो। मर्दों के संसार में जीने का तुम्हें कोई हक नहीं। सोच रही हो ना जो मिसेस चंद्रा के साथ हुआ, कहीं तुम्हारे साथ भी तो ऐसा नहीं होगा। तुम भी तो मां नहीं बन सकी, तुम भी तो अपने पति को उसका मन चाहा नहीं दे सकी। हाँ, मैं यही सोच रही थी। इसीलिए तो काम का बहाना बनाकर अमर तुम्हें यहां छोड़कर आशा के साथ दुबई चला गया। वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में वहां आशा के साथ क्या कर रहा है, ये सब तुम अपनी आंखों से क्यों नहीं देख लेती? मेरा कहा मानो सुनंदा, तुम अमर को खबर किए बगैर उसके पास दुबई पहुंच जाओ और देखो वो दोनों वहां कैसे और किस हालत में रह रहे हैं। दुबई जरूर जाऊंगी। मेरी जिस कमजोरी का फायदा उठाकर तुमने इन्हें अपने जान में फंसा लिया है,
ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सुनंदा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई हूँ मैं। और इसकी वजह ये, सिर्फ ये, इसीलिए मेरे घर संसार में। सुनंदा, और आशा को लेकर जो ये शक, ये वहम तुम्हारे दिल और दिमाग में पल रहा है, उसका आज मैं खुलासा की देता हूं। सुरंदा, मैंने हमेशा महसूस किया है कि तुमने मेरे और आशा के ताल्लुकात को गलत ही समझा है। यहां आने से पहली वाली रात को भी तुमने मुझसे पूछा था कि क्या आशा का मेरे साथ आना जरूरी है। तो आज मैं तुम्हें सच सच बताता हूं कि आशा का मेरे साथ यहां आना ही नहीं, बल्कि अब मेरी जिंदगी में भी आना बहुत जरूरी हो गया है। अमर, ये तुम क्या कह रहे हो अमर? हाँ, आशा के साथ मेरे वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे कि तुम समझती आ रही हो। जानते हो, मैं तुमसे नफरत करने लगा हूं क्योंकि तुम मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकती, तुम मेरे काबिल नहीं हो। और सुनो, मैंने फैसला किया है कि बंबई पहुंचते ही तुम्हें तलाक दे दूंगा। आशा का सिर्फ यहां आना ही नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी में भी आना जरूरी हो गया है। आशा के साथ मेरे वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे कि तुम समझती आ रही हो। मैं तुमसे नफरत करने लगा हूं क्योंकि तुम मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकती, तुम मेरे काबिल नहीं हो, तुम मां नहीं बन सकती, तुम मां नहीं बन सकती। और सुनो, मैंने फैसला किया है कि बंबई पहुंचते ही तुम्हें तलाक दे दूंगा। ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं अपनी दुनिया नहीं उजले दूंगी। मैं अमर को किसी भी हालत में नहीं खोना चाहती, नहीं खोना चाहती। अमर, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं मां बनने वाली हूं। मैडम, आपके रजिस्ट्री।
यहाँ पे साइन कीजिए। थैंक यू। प्यारी सुनंदा, प्यार भरी याद, तुम्हारा खत मिला। सच यकीन नहीं आ रहा कि भगवान ने हमारी सुन ली। मैं बाप बनने वाला हूँ। तुमने ये खबर सुनाकर मुझे जिंदगी भर अपने ही नजरों में शर्मिंदा होने से बचा लिया। देखो, मेरा विश्वास असर लाया। भगवान ने हमारी झोली में वो डाल दिया जो हम चाहते थे। काश इस वक्त मैं तुम्हारे पास होता और तुम्हारी कोख में पलती अपनी जिंदगी की धड़कने सुन सकता, पर मजबूर हूं। काम में बुरी तरह उलझा हूं। अपना और मेरी अमानत का ख्याल रखना। तुम्हारा अमर। अमर ने मेरे झूठ को सच मान लिया। अब वो शायद आशा के इतना करीब न जाए जितना मैं सोच रही हूं। लेकिन मैं तो मां नहीं बनने वाली। ये झूठ जब अमर को वापस आने पर पता चलेगा तो? नहीं नहीं, मुझे इस झूठ को सच साबित करना ही होगा। अमर के आने से कुछ दिन पहले मैं किसी अनाथालय जाकर कोई बच्चा गोद ले लूंगी। लेकिन यहाँ के लोग तो जान ही जाएंगे कि मैं माँ बनी ही नहीं। मेरे शरीर को देखने से उनको पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से दूर अपने पंचगनी वाले बंगले पर चली जाती हूँ। लेकिन वहां भी तो वो शामशाह, मार्शल अंकल, अरे वहां की उलझन का समाधान तो वहीं सोचा जाएगा। सुनंदा, पहले यहां से तो निकल। ठीक है, मैं आज ही इंस्टीट्यूट जाकर इस्तीफा दे देती हूँ। मिसेस चंद्रा के बाद अब तुम इस्तीफा देकर जाना चाहती हो? जरा सोचो तो सुनंदिनी, इंस्टीट्यूट का क्या होगा? दरअसल मैडम, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेश गए हुए तुम्हारे पति ने बुलवा लिया और तुम? चुप क्यों हो गई सुनंदा? कहीं तुम झूठ? नहीं नहीं मैडम, मैं भला झूठ क्यों बोलने लगी? मेरा यकीन कीजिए। ठीक है, तुम्हारा इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा, पर कुछ दिनों के बाद। मैडम, जब तक कि हमें नई इंस्ट्रक्टर नहीं मिल जाती तब तक तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा सुनंदिनी। लेकिन मैडम मैं? घबराओ नहीं, मैं कल ही इंस्टीट्यूट की तरफ से पेपर में ऐड दिए देती हूँ। जैसे ही नई इंस्ट्रक्टर आएंगी तुम्हारा इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम।